तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग के अपडेट्स के लिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही सारी मल्टीपल एंड फ्रेश अपडेट्स लेकर आ गया हूं। लेकिन ये इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को क्विक हिंट्स दे दूं कि कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे डिस्कस। हम लोग बात करेंगे सीएम पंक के बारे में, क्योंकि सीएम पंक का रिएक्शन आ चुका है सामने जब WWE ने अनाउंस किया रॉ के एपिसोड के अंदर रॉ अंडरग्राउंड वाली फाइट। NXT का एक काफी बड़ा सुपरस्टार हो चुका है एंजल, जो कि एक्चुअली में लैडर मैच के अंदर रेसल करने वाला था जो कि होना है NXT टेक ओवर के अंदर। इसके अलावा समर स्लैम पेपर व्यू के बारे में भी करूंगा बात, क्योंकि जो उसकी लोकेशन है ऑलमोस्ट हो चुकी है कंफर्म एंड वहां पर जो फैंस की रिटर्न है वो भी होने वाले काफी जल्दी अनाउंस। जो रॉ के एपिसोड में हमें मिस्टीरियस टेबल दिखाई दिया था उसका नेम भी आ चुका है सामने। इसके अलावा बात करेंगे क्यों विंस मैकमैन को एक पागल कहा जाता है WWE के बैक स्टेज के ऊपर। तो काफी सारी मल्टीपल अपडेट्स आपको इस वाली वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन गाइस मैं वीडियो को इस बार शुरू करने वाला हूं काफी क्विक अपडेट के साथ, जो कि इस बार रॉ के एपिसोड से जुड़ी है। पहले मैं बात रॉकी व्यूवरशिप के बारे में, फिर हम बात करेंगे मिस्टीरियस टेबल के नेम के बारे में जो कि रिसेंटली WWE कंपनी की तरफ से सामने आया है। तो बात कर लूं व्यूवरशिप के बारे में, तो गाइस रॉ का अंडरग्राउंड वाला शो अनाउंस होता हुआ नजर आया, लेकिन गाइस आपको बता दूं इतना ज्यादा फर्क नहीं आया व्यूवरशिप के अंदर। मैं व्यूवरशिप की बात कर लूं, पिछले हफ्ते जो व्यूवरशिप आई थी वो आई थी 1.620 मिलियन व्यूवर्स, लेकिन इस हफ्ते जो व्यूवरशिप आई है वो आई है 1.714 मिलियन व्यूवर्स, यानी कि पिछले हफ्ते के मुकाबले काफी ज्यादा कम रेटिंग्स आई हैं WWE की। लेकिन देखते हैं अगर जो फैंस हैं उनको रॉ अंडरग्राउंड के अंदर इंटरेस्ट होगा तो जो अगला हफ्ता होने वाला है वहां पर हम सभी को जो व्यूवरशिप है वो बढ़ती हुई नजर आने वाली है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ जो रॉक स्टेबल के बारे में, जो कि WWE ने मिस्टीरियस टाइप दिखाया था जो कि एक्चुअली में पावर जनरेटर हमें डिस्ट्रॉय करता हुआ नजर आ रहा था सारे के सारे परफॉर्मेंस सेंटर के। एंड गाइस आपको बता दूं यहां पर जो WWE ने स्टेबल का नाम रिवील किया है, ये नाम रिवील किया है रेट्रीब्यूशन, यानी कि जो टीम आप सभी को आती हुई नजर आने वाली या फिर जो न्यू स्टेबल आप सभी को रॉक एपिसोड के अंदर आता हुआ नजर आने वाला वो रेट्रीब्यूशन नाम का स्टेबल होने वाला है। अब देखने में बस मजा ये आने वाला है कि मेंस का स्टेबल होता है या फिर वुमेन्स का स्टेबल होता है, और ये जो सुपरस्टार्स होने वाले हैं इस वाले स्टेबल के अंदर वो क्या कोई जाने महने या फिर बड़े सुपरस्टार्स होते हैं या फिर कोई न्यू सुपरस्टार्स हमें WWE पकड़ के रॉ के एपिसोड में डेब्यू करवाती हुई आती है नजर। लेकिन गाइस जब हम लोग बात कर ले द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में, सीएम पंक का क्या रहा रिएक्शन जब WWE ने अनाउंस कर दिया रॉ अंडरग्राउंड, तो आपको बता दूं जो WWE ऑन फॉक्स है वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करता है जहां पर समर स्लैम की थीम को लेकर सारी बातें होती हैं डिस्कस। यहां पर आप सभी को बुकर टी सीएम पंक एंड ये तीनों जो कह सकता हूं सुपरस्टार हैं वो आप सभी को इस वाली थीम को डिस्कस करते हुए नजर आते हैं किस तरीके से पूरा समर स्लैम पेपर व्यू का इतिहास रहा है। ये नहीं पर जो सीएम पंक उनसे पूछा जाता है कि भाई WWE ने रॉ के एपिसोड के अंदर रॉ अंडरग्राउंड अनाउंस किया जो कि UFC टाइप का है, तो ये आप सभी को कैसा लगा? तो यहां पर सीएम पंक कहते हैं ये वाली थीम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं वुमेन्स को ज्यादा रेसल करते हुए देखना चाहूंगा रॉ अंडरग्राउंड के अंदर। और आपको बता दूं इस वाले कह सकता हूं जो सेगमेंट होता है इसके अंदर जो सीएम पंक है वो ये भी कहते हैं कि रीने उनको बेली से जाकर रेसल करना चाहिए स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रॉ अंडरग्राउंड के अंदर। और हाँ ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि WWE कभी भी कोई चैंपियनशिप को जैसे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप होगी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होगी क्या इन चैंपियनशिप को डिफेंड करवाएगी रॉ अंडरग्राउंड के अंदर या फिर नहीं, इस वाली थिंग को देखने में आने वाला है मजा। और आपको बता दूं ऑलरेडी WWE ने दो हफ्ते के जो सिनेमैटिक मैचेज हैं वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लें जो कि काफ़ी बड़ी थिंग है। मेरे हिसाब से जो रॉ अंडरग्राउंड है काफ़ी लंबे टाइम तक रॉ के एपिसोड में आप सभी को दिखाई देगा। बाकी आपको पसंद आया रॉ अंडरग्राउंड या फिर नहीं नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि गाइस इस बार जुड़ी है NXT के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार के बारे में, जो कि एक्चुअली में NXT टेक ओवर के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप जो लैडर मैच होने वाला था उसके अंदर रेसल करने वाले थे, लेकिन रिसेंटली उन्हें हो चुकी है इंजरी। तो आपको बता दूं जो WWE का NXT वाला ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो इस वाली थिंग को अनाउंस करते कि जो डेक्स्टर लुमिनस है जो कि रिसेंटली टिरोमी थैचर एंड फिन बैलर को हरा के क्वालिफाई हुए थे इस वाले मैच के अंदर, यहां पर जो WWE NXT वो इस वाली थिंग को कंफर्म करती है कि उन्हें एक इंजरी का सफर करना पड़ा था इस वाले ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर। लेकिन जिस तरीके की इंजरी लग रही थी WWE कंपनी को उससे ज्यादा खतरनाक है, फिर कहूँ उससे ज्यादा स्वेलिंग आ चुकी है डेक्स्टर लुमिनस के अंदर, जो कि काफी बड़ी कह सकता हूँ बुरी अपडेट है हम सभी के लिए जो कि एक्चुअली में डेक्स्टर लुमिनस को देखना चाहते थे NXT टेक ओवर के अंदर। काफी ज्यादा हाई मेरी भी कह सकता हूँ उनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि हो सकता था डेक्स्टर लुमिनस उस वाले मैच को जीत जाते, लेकिन अफसोस मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो डेक्स्टर लुमिनस है वो हमें NXT का टेक ओवर वाला शो मिस करते हुए आ सकते हैं नजर। एंड WWE काफी जल्दी उनकी कह सकता हूँ रिप्लेसमेंट हमें दिखा सकती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिन बैलर उनकी रिप्लेसमेंट होंगे तो जरूर से मजा
मजा हमें आने वाला है। लेकिन खैर, अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि गाइस इस बार जुड़ी है समर स्लैम 2020 के बारे में। एंड रिसेंटली कौन सी न्यू लोकेशन आई सामने समर स्लैम 2020 की, और वहां पर क्या फैंस रिटर्न करेंगे या फिर नहीं, ये वाली थिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है कन्फर्म। तो आपको बता दूं, PW4 ऑनलाइन एंड जो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर है, इनफैक्ट जो रेसल बोर्ड्स हैं, तीनों की तरफ से एक सेम अपडेट आई है सामने। एंड इस अपडेट के हिसाब से जो WWE कंपनी अभी फिलहाल अटलांटिक सिटी में, जो कि न्यू जर्सी के अंदर पड़ता है, वहां पर समर स्लैम 2020 करवाने का सोच रही है। यानी कि जो समर स्लैम 2020 वो एक आउटडोर इवेंट होने वाला। और आपको बता दूं, यहां पर इस वाली अपडेट के अंदर ये भी थिंग क्लियर हुई है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने आउटडोर इवेंट के लिए 500 ऑडियंस यहां पर कह सकता हूं एलिजिबल की हुई है, कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स का या फिर किसी भी चीज़ का एक बाहर आउटडोर इवेंट होता है, तो उसके अंदर जो 500 ऑडियंस है वो आप सभी को, या फिर जो 500 बंदे हैं वो उस वाले इवेंट को अटेंड कर सकते हैं, जो कि हम सभी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। मान लो कि जो समर स्लैम 2020 है बीच के ऊपर होता है, 500 लोग आसपास बैठे होते हैं, वो शोर वगैरह मचाएंगे, वो हल्ला वगैरह मचाएंगे, देख के ज़रूर मज़ा आने वाला है समर स्लैम 2020 को। एंड मेरे हिसाब से जो फैंस की रिटर्न है एंड जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भी जो फैंस की रिटर्न है काफ़ी जल्दी WWE भी कन्फर्म करने वाली है एंड समर स्लैम 2020 बीच के ऊपर होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि इस बार जुड़ी है द बॉस विंस मैकमैन के बारे में। एंड क्यों, बैक स्टेज के ऊपर विंस मैकमैन को एक पागल इंसान कहा जाता है। तो गाइस आपको बता दूं, रिसेंटली स्टीव कैरियर जो कि रिंग साइड न्यूज़ के मेंबर है, उनकी तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट आती सामने। यहाँ पर वो ये बात रिवील करते हैं कि जो WWE के राइटर्स हैं वो लगातार काफ़ी दिनों से, करीबन मैं कह सकता हूँ 32 सेगमेंट्स लिख रहे थे रॉ एंड स्मैकडाउन के शो के अंदर। लेकिन उसके बाद जब एक मीटिंग होती है 4 घंटे की विंस मैकमैन के साथ, यहाँ पर जो 32 के 32 सेगमेंट उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी, उसमें से सिर्फ ऐसे 4 सेगमेंट होते जो कि विंस मैकमैन एक्चुअली में पास करते हैं। एंड बाकी जो सेगमेंट बचे, यानी कि 28 जो सेगमेंट बचे, वो WWE राइटर्स की स्क्रिप्ट एकदम बेकार चले जाते हैं। और यहाँ पर जो WWE के राइटर हैं, अब ऐसी अपडेट्स आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं वो विंस मैकमैन से। अब बस वो इस वाली थिंग को विंस मैकमैन को कहने से डरते हैं कि भाई विंस मैकमैन WWE कंपनी के अंदर एक बहुत ही बड़ी सिरदर्दी बन चुका है। एंड आप खुद सोचो, मान लो आप 32 प्रोजेक्ट स्कूल बना के ले जाते हो और आखिरी में जो टीचर है वही कहते हैं कि भाई 32 तो मुझे चाहिए नहीं, तो उन्हें 32 में से 28 बहुत बेकार बनाए और जो 4 हैं वो ठीक ठाक बनाए, इतने ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं वो सबमिट कर लेती हूँ। तो आपका उस टाइम क्या रिएक्शन होगा? यही रिएक्शन है अभी WWE के राइटर्स का, जब विंस मैकमैन ने 32 सेगमेंट्स में से 4 सिर्फ सेगमेंट कह सकता हूँ अप्रूव किए हैं एंड बाकी 28 सेगमेंट रिजेक्ट कर दिए, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है। बाकी आपका क्या रिएक्शन है? मान लो अगर आप WWE राइटर होते तो क्या आप उस टाइम नौकरी छोड़ देते या फिर विंस मैकमैन को जाके गालियाँ देते? क्या है आपके थॉट्स इस बारे में? नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस बार जुड़ी है फॉर्मर WWE सुपरस्टार जॉन मॉक्सली के बारे में, या फिर कहूं डीन एम्ब्रोस के बारे में। एंड रिसेंटली एक बार फिर से जॉन मॉक्सली से पूछा जाता है उनकी एक रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर कि भाई WWE कंपनी के अंदर क्या आप कभी भी आने वाले टाइम में रिटर्न करना चाहते हो या फिर नहीं। तो यहाँ पर जॉन मॉक्सली कहते हैं कि इस तरीके से जो WWE कंपनी है, एक तो उन्हें ढंग से बुकिंग करनी नहीं आती है, लेकिन वो कहते हैं चलो बुकिंग भी तुम लोग बात छोड़ दो, मान लो कोई सुपरस्टार इंजर है या फिर कोई सुपरस्टार, कोई पुराना सुपरस्टार काफ़ी दिनों बाद रिटर्न कर रहे हैं WWE कंपनी के अंदर, तो WWE को ढंग से रिटर्न तो बुक करनी आती नहीं है। वो खुद की बात करते हैं, वो कहते हैं मान लो जब मैं WWE के अंदर इंजरी के लिए बाहर था बहुत टाइम से, जब मैंने शील्ड वगैरह के अंदर इंजरी हुई थी, उसके बाद मैं WWE कंपनी से 3-4 महीने, पता नहीं काफ़ी लंबा टाइम हो गया था उसके लिए बाहर था। उसके बाद जब मैं रिटर्न करता हूँ समर स्लैम पे पर व्यू के आसपास, तो WWE मेरी जो पूरी की पूरी रिटर्न है उसे बर्बाद कर देती है। जब वो सेथ रॉलिंस से ये कहती है कि भाई मेरे साथ, अगर तुम्हारे साथ एक साइकोपैथ है तो मेरे साथ एक लोनेटिक है। अगर आपको याद होगा ये वो वाला टाइम था जब एक्चुअली मैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रही थी सेथ रॉलिंस एंड डॉल्फ ज़िगलर के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच की। एंड जॉन मॉक्सली के हिसाब से मान लो अगर यहाँ पर जो लोनेटिक नाम है या फिर जो लोनेटिक वर्ड है वो रेफर ना किया जाता सेथ रॉलिंस की तरफ से, तो मेरे हिसाब से या फिर जो जॉन मॉक्सली है उनके हिसाब से जो जॉन मॉक्सली की रिटर्न है वो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो सकती है रॉ के एपिसोड के अंदर। एंड ये कुछ रीजन है जॉन मॉक्सली की तरफ से जिनके कारण उन्होंने WWE कंपनी के अंदर एक बार वो फिर से कहते हैं भाई मैं जाने का नहीं सोच सकता ऐसी कंपनी के अंदर जिन्हें सिर्फ रिटर्न्स भी बुक करनी नहीं आती हैं। बाकी देखो अगर इस वाली थिंग के अंदर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से भी WWE कंपनी को इस वाले सेगमेंट के अंदर लोनेटिक वाला वर्ड रेफर नहीं करना चाहिए था। WWE ऐसा कर लेती सेथ रॉलिंस जाते वो ये कहते कि भाई तुम्हारे पास साइकोपैथ है समर स्लैम के लिए, तो कोई बात नहीं समर स्लैम पे पर व्यू के अंदर मेरा भी एक साथी होने वाला है जो कि मेरा एक बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त है, ऐसा कुछ करके WWE रेफर कर देती। तो हो सकता है काफ़ी सारी ऑडियंस है वो ये सोचती, रोमरिंस हो सकता है समर स्लैम पे पर व्यू के अंदर हम सभी को बचाते हुए नजर आए सेथ रॉलिंस को ड्रू मैकइंटायर से, या फिर ये सोचो उस टाइम अचानक से अगर डीन एम्ब्रोस पीछे से आते वो डॉल्फ ज़िगलर एंड ड्रू मैकइंटायर पर दोनों पर हमला करते, सामने से अगर सेथ रॉलिंस आते वो हमला करते उन पर, तो इस वाले सेगमेंट का जो लेवल था और जो ऑडियंस पॉप कर रही थी उस टाइम जब इन दोनों का ब्रॉल हो रहा था, मेरे हिसाब से वो और ज़्यादा होता अगर WWE लोनेटिक वर्ड रेफर ना करती। मान लो अगर मैं कहता हूँ कि भाई लोनेटिक है मेरे साथ में, तो अगर डीन एम्ब्रोस उस टाइम WWE कंपनी के अंदर होते तो हर बंदे ये सोचता लोनेटिक तो डीन एम्ब्रोस को ही कहा जाता
है। और यही सेम थिंग होती है उस टाइम जब द लुनेटिक फ्रेंच डीन एम्ब्रोस की रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से कर देती है बर्बाद। बाकी गाइस आपकी क्या थॉट्स हैं इस वाली वीडियो के बारे में नीचे मुझे ऑफ कोर्स कमेंट के अंदर जरूर बता देना। जब एक बार फिर से जॉन मॉक्सले ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने से कर दिया मना। इसके अलावा गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलते रहे। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय टेक केयर।